नमस्कार, एक्सप्लोर अनसीन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं प्रयागराज का एक पुराना चैरिटेबल ट्रस्ट एवं पिलग्रिम वेलफेयर सेंटर भारत सेवाश्रम के बारे में जानकारी दूंगा। हिंदू पिलग्रिम जो पूर्वजों के लिए संगम में श्राद्ध एवं अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, उनको इस आश्रम से कैसे मदद मिलता है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ में यह खाने का और रहने का सुविधा के बारे में भी जानकारी दूंगा और कमरे भी दिखाऊंगा। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आश्रम और आश्रम का एक्टिविटी के बारे में पूरा जानकारी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये आश्रम प्रयागराज जंक्शन और सिविल लाइन बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर दूरी पे है। आश्रम संगम के बिल्कुल नज़दीक संगम जाने वाली महात्मा गांधी मेन रोड का ऊपर स्थित है। ये तिकोना चौराहा से करीब 100 मीटर दूरी पे स्थित होने के कारण आप बहुत आसानी से यह पहुंच सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द नियरेस्ट धर्मशाला फ्रॉम संगम। द लोकेशन इज रिलेटिवली क्लोजर टू द त्रिवेणी संगम व्हिच हेल्प्स ए लॉट टू द संगम विजिटर्स। अभी जानते हैं आश्रम में पहुंचना कैसे है। प्रयागराज जंक्शन से प्रति व्यक्ति 30 रुपये शेयर में यह ऑटो या ई रिक्शा में पहुंचा जा सकता है। आप प्रयागराज शिव की रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं तो 50 रुपये प्रति व्यक्ति शेयर में आप आश्रम पहुंच सकते हैं। आपको शेयर पसंद नहीं है या आप ग्रुप में है तो ओला या उबर में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे तो भारत सेवाश्रम प्रयागराज में एक बहुत परिचित नाम है, तो आपको यह पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप सिविल लाइन बस स्टेशन पहुँचे हैं तो यह से भी प्रति व्यक्ति 30 रुपये शेयर में ऑटो या ई रिक्शा में आश्रम पहुँच सकते हैं। हम अभी प्रयागराज जंक्शन से संगम की तरफ जा रहे हैं। अभी हम महात्मा गांधी रोड पर चल रहे हैं। तिकोना एरिया का बाद ही संगम एरिया चालू होता है। संगम एक बड़ी एरिया है। त्रिवेणी संगम यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर है। हम धर्मशाला पहुँच चुके हैं। चलिए अभी धर्मशाला का अंदर चलते हैं। एंट्री पे ही लेफ्ट साइड में एक छोटा सा गार्डन है और गार्डन का अंदर भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक जी का एक बड़ी सी खूबसूरत मूर्ति लगी है। गार्डन के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें अकोमोडेशन के साथ साथ आश्रम द्वारा परिचालित बहुत सारे ऑफिस है जहाँ समाज सेवामूलक कार्य चलाया जाता है। यह गुरुकुल शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा भी दिया जाता है। आश्रम में गरीब छात्रों को फ्री ट्यूशन भी दिए जाते हैं। यह महिलाओं को निःशुल्क सिलाई शिक्षा भी दिया जाता है। सामने इसका बुक स्टॉल भी है और रिसेप्शन सेंटर भी है। आश्रम का गेट सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। राइट साइड में इनका लाइब्रेरी और फ्री रीडिंग रूम है। आप पुस्तक पढ़ने का शौकीन है तो ये फ्री लाइब्रेरी आपके लिए एक पसंदीदा जगह होगा। कॉमन पीपल और गरीबों के लिए यह नाममात्र शुल्क में होम्योपैथी, एलोपैथी एवं आयुर्वेदिक डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञों जैसे स्पेशलिस्ट भी लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। बहुत कम पैसा में यह गरीब लोगों को मेडिसिन के साथ मेडिकल एडवाइस भी दिए जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेल नोन चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर नीडी पीपल। ये आश्रम हिंदू तीर्थ यात्री जो संगम में अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन, श्राद्ध और बाकी कोई भी धार्मिक कार्य के लिए आते हैं, उन लोगों को इनके पिलग्रिम वेलफेयर सेंटर में रहने का और खाने का सुविधा देने का साथ साथ बहुत कम खर्चा में पंडित भी उपलब्ध कराए जाते हैं। आश्रम के चारों तरफ पिलग्रिम वेलफेयर बिल्डिंग है। सारे बिल्डिंग 2 मंजिले हैं। बिल्डिंगों का बीच में एक खूबसूरत बड़ी सी मंदिर है।
जहाँ प्रणवानंदा जी का एक खूबसूरत मूर्ति है। साथ में शिव जी का मंदिर, दुर्गा माता जी का मंदिर और हनुमान जी का भी मंदिर है। मंदिर में सुबह और शाम को पूजा अर्चना होता है। आश्रम में रहते हुए आप भी पूजा पाठ में भागीदारी हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन प्रयागराज फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वेरी नाइस प्लेस फॉर स्टेइंग एंड वर्शिप वर्क्स। आप रिलीजियस पर्पज से आते हो तो ये आश्रम आपके लिए एक अच्छी जगह है। इनका पास सिंगल बेडेड, टू बेडेड, फोर बेडेड, एट बेडेड एवं 16 बेडेड रूम्स विथ अटैच बाथरूम उपलब्ध हैं। साथ में टू एवं फोर बेडेड एसी रूम भी उपलब्ध है। आइए टू बेडरूम कमरे का अंदर चलते हैं। कमरे में दो बेड है, एक कुर्सी है और एक मिरर भी है। एक गैलरी की तरफ खुलने वाला खिड़की भी है। आइए वॉशरूम पे चलते हैं। इन्होंने वॉशरूम पे गर्म पानी के लिए एक गीजर दिया हुआ है, एक इंग्लिश टॉयलेट है और एक वॉश बेसिन भी है। यहाँ दोपहर एवं रात को मिनिमम डोनेशन पे महाप्रसाद भोग के लिए कूपन मिलते हैं। इसके लिए आपको एडवांस में रिसेप्शन काउंटर से कूपन लेना पड़ेगा। मंदिर के सामने और पीछे बहुत सारे ओपन स्पेस हैं। आश्रम के अंदर फूल पौधे से भरे हुए दो तीन गार्डन हैं और चारों तरफ ग्रीनरी भी है। यहाँ रहते हुए आप ग्रीनरी का आनंद ले सकते हैं, खुले हवा में सांस ले सकते हैं। आश्रम काफ़ी बड़ी है, आप बड़े ग्रुप में आए हैं तो भी यहाँ रुक सकते हैं। एक साथ यहाँ 1000 से 1200 लोग रह सकते हैं। इट हैज़ ए लार्ज कैंपस। यहाँ कोई भी रूम का फिक्स रेंट नहीं होता है, सारे रूम डोनेशन बेस में दिए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको रिसिप्ट मिल जाते हैं। तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि रूम का रेंट का बारे में कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा। यहाँ रहने के लिए आपको खुद का डोर लॉक लेके आना पड़ेगा। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आश्रम डोर लॉक नहीं प्रोवाइड करते हैं। आप प्रयागराज घूमने आए हैं तो यहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट एवं गाइड मिनिमम रेट पे मिल जाते हैं। ये रेट सारे यात्रियों के लिए फिक्स और एक बराबर होता है। द महाराज ऑफ द धर्मशाला इज ए काइंड पर्सन एंड वेरी मच कोऑपरेटिव। द स्टाफ्स आर आल्सो हेल्पफुल इन नेचर। आइए फोर बेडरूम नॉन एसी कमरे में चलते हैं। कमरे में एक कुर्सी है और दो डबल बेड है। कमरा काफ़ी साफ सुथरा है। इन्होंने कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है। सामान रखने के लिए कबर्ड भी है। आइए वॉशरूम पे चलते हैं। वॉशरूम पे एक वॉश बेसिन है, एक मिरर है और गर्म पानी के लिए एक गीजर लगा हुआ है। एक इंग्लिश टॉयलेट भी है। यहाँ पानी पीने के लिए कूलर का भी सुविधा है। इनका पास मेडिकल वैन भी है जो गरीब और जरूरतमंदों को निशुल्क मेडिकल सेवा देते हैं। प्रति कुंभ मेला एवं माघ मेला में इनका सर्विस सेंटर होता है जहाँ इनके वॉलेंटियर लोगों के सेवा में लगे रहते हैं। इनका पास मुक्ति वैन भी है जो फ्री में डेड बॉडी को लेके आने जाने में सहायता करती है। आइए हॉल रूम पे चलते हैं जहाँ 16 लोग रह सकते हैं। हॉल के अंदर एक साइड में 15 बेड और एक साइड में एक बेड लगा हुआ है। आइए वॉशरूम पे चलते हैं। हॉल रूम पे दो वॉशरूम हैं,
एक वॉशरूम पे वॉश बेसिन और मिरर के साथ इंग्लिश टॉयलेट भी है। दूसरा वॉशरूम पे एक इंडियन टॉयलेट है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।